हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ फ्रेश वीडियो ऑफ मोबाइकल। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए बजाज डोमेना 250 का रिव्यू। तो क्या है इसका ओवरव्यू, क्या है इसका रिव्यू जान लेंगे आगे हम, और क्या बजाज ने इसमें स्पेसिफिकेशन दी है, क्या इंजन यूज़ हुआ है, उस बारे में डिटेल जान लेंगे। स्टार्ट करते हैं लुक से और फिजिकल ओवरव्यू से। तो फिजिकल ओवरव्यू यहाँ पे बजाज ने यूज़ किया है डोमिनार 400 का ही लुक्स। ओवरऑल बाइक पूरा कम्प्लीटली दिखती है डोमिनार 400 का तरह, बट यहाँ पे बजाज ने यूज़ किया 250cc का इंजन। जान लें आगे जान लेंगे इंजन के बारे में भी। तो यहाँ पे सामने आपको मिलता है अपसाइड डाउन फोक्स, LED हेडलैम्प एंड 17 इंच का व्हील, और रियर में भी 17 इंच का व्हील आपको मिलता है। और फ्रंट में अगर डिस्क ब्रेक की बारे में बात करें तो आपको मिलता है 300mm का डिस्क। और टायर साइज की बात करें यहाँ पे तो आपको मिलता है 100x80 सेक्शन के टायर, और रियर में मिलते हैं 130x70 सेक्शन के टायर, और रियर में आपको मिलता है 240mm का डिस्क ब्रेक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्रेकिंग के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी होने वाली है, इवन ग्रिप के मामले में भी। और कुछ और डिटेल बात करें लुक्स के भी, तो आपको मिलता है 30mm का मस्कुलर लुक फ्यूल टैंक, जो कि बाइक को अच्छा खासा लुक प्रोवाइड करता है। और बात कर अगर हम इन डिटेल बात करें लुक्स के बारे में, तो यहाँ पे बाइक को दिया गया है स्ट्रीट जेन्युइन लुक, जबकि ये एक क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक का मिडिल सेक्शन का बाइक है। आपका पावर देती है स्पोर्ट्स बाइक का, लुक आपको प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स और क्रूजर कंबाइन करके जो लुक आता है, वो बजाज ने यहाँ पे यूज़ किया है डोमिनार में। तो लुक मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, जबकि ये सब्जेक्टिव मैटर है, तो अभी के लिए इतना ही ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंजन की तरफ। तो आप इंजन कंपनी ने यूज़ किया 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट देता है 26.6 ब्रेक हॉर्स पावर का एट द रेट 8500 RPM पे, और 23.3 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है आपको 6500 RPM पे, जो कि पावर के मामले में काफ़ी अच्छी बात है। 250cc का सेक्शन में जो बाइक आता है वो उस मामले में बाइक काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे पावर फिगर काफ़ी अच्छी है। और बात करें गियर बॉक्स क्लच की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ सुपर क्लच, जो कि आपको राइड को काफ़ी स्मूथ और कन्वीनियंट कर देगी। और बात करें बाइक की वेट की, तो यहाँ पर बाइक का वेट कंपनी ने रखा है लगभग 180 किलोग्राम के आसपास, जो कि काफ़ी हेवी है। लेकिन अगर आप इसे हाईवे चलाते हैं तो आपको बाइक का वेट समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सिटी में यूज़ करें इसे, तो आपको बाइक का मैनूवर करने में काफ़ी दिक्कत आएगा, काफ़ी टफनेस फील होगा, क्योंकि बाइक काफ़ी भारी है। और बात करें बाइक की यहाँ पे ओवरऑल लुक, तो काफ़ी अच्छी है। और बाइक का अगर बात करें सीट के बारे में, तो बाइक का सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, इवन पिलियन सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। पिलियन एंड ड्राइवर दोनों के लिए सीट काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप लॉन्ग ड्राइव इजीली जा सकते हैं, आपका बैक पेन नहीं होगा, क्योंकि बाइक का सिटिंग पोस्चर एंड जो फुट पेक से काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, आपका कोई किस्म का दिक्कत नहीं आएगा। और अब आते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है डुअल चैनल ABS, फर्स्ट फीचर हमने आपको बताया डुअल चैनल ABS, जो कि बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा रखेगा, बाइक स्किट नहीं होने देगा। सेकेंड में आपको मिलता है 2 ट्रिप मीटर। और एक बात हमें बता दो, वहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल आपको यहाँ पे कंसोल देखने को मिलता है, और आपको इसमें फुल्ली डिटेल कंसोल के अंदर 2 ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट लाइट, डिजिटल टेकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, LED हेडलाइट, और आपको बाइक 2 कलर ऑप्शन में मिलते हैं। और उस डिजिटल कंसोल में जो भी आपको मिलते हैं सब डिटेल मिलता है, और आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, बाइक आप खरीद सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपका राइड कहीं ना कहीं पे सिटी और हाईवे के माने हाईवे और सिटी में आप लगभग सेम चलाते हैं, सेम रेशियो में चलाते हैं, तो आप आराम से बाइक को ले सकते हैं। बाइक काफ़ी अच्छी है, लिक्विड कूल इंजन है, बाइक में LED हेडलैम्प दिया गया है, डुअल चैनल ABS है, तो बाइक में फीचर्स फुल है, पावर भी फुल है, तो आराम से आप जा सकते हैं। और आपका बजट कहीं ना कहीं 2 लाख के अंदर है, तो बाइक आपको 2 लाख में अच्छा खासा एक ऑफर करती है बजाज, काफ़ी अच्छी बात है। मुझे बजाज का ये कोशिश देखकर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बजाज का जो सेगमेंट था वो काफ़ी कनेक्शन बहुत ख़राब था, बजाज ने ये बाइक को लॉन्च करके वो कनेक्शन को कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर दिया है। तो बताना मुझे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर अपडेट्स, और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।